अलर्ट हो जाइए, बिहार में बढ़ रहा कोरोना। हर घंटे मिल रहे कोरोना के एक संक्रमित, 24 घंटे में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बना रहे घूमने का प्लान तो VTR जरूर जाए, यहाँ दिखता है सनराइज और सनसेट का अद्भुत नजारा। घने जंगलों में करेंगे ट्रैकिंग। बाल हृदय योजना से 31 बच्चों का हो रहा है इलाज, उत्तर बिहार के 16 बच्चों के दिल में छेद का हुआ ऑपरेशन। अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साई हॉस्पिटल में होता है इलाज। आड़ा में होमगार्ड जवान सड़क हादसे में जख्मी, ड्यूटी के लिए DM ऑफिस जा रहा था जवान, पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। बक्सर में 2.5 करोड़ की लूट करने वाला आरोपी पकड़ाया, गजेंद्र ITI में की थी तोड़फोड़, CCTV में कैद हुई थी वारदात, कैबर पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। PI में 7026 पदों पर बंपर भर्ती, ग्रेजुएट महिला पुरुष कर सकते हैं आवेदन, किसी भी क्षेत्र से कर सकते हैं अप्लाई। शहीद एक्सप्रेस ट्रेन कोहरे की वजह से रद्द, स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस भी गुरुवार को नहीं चलेगी, शुक्रवार को दिल्ली से भी नहीं आएगी। मुजफ्फरपुर के 2 कोरोना मरीज स्ट्रेसलेस, सीतामढ़ी में हुई दोनों की जाँच, दोनों के फोन भी बंद, रिपोर्ट आने के बाद खोजबीन शुरू। कर लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, BJP विधायक के बयान पर RJD विधायक ने कहा चेहरा चमकाने के लिए देते हैं ऐसा बयान। BJP सांसद और मंत्री मुकेश सहनी में बयानबाजी, सहनी बोले भौंक रहे निषाद, जवाब में MP ने कहा BJP के कार्यकर्ता भौंकते नहीं दहराते हैं। पटना के महाराजा गार्डन में भीषण आग लग गई, सब जलकर राख, जयमाला के दौरान आतिशबाजी से पंडाल में लगी आग, जान बचाकर भागे दूल्हा दुल्हन। शाहबुद्दीन के मकबरे पर फिर विवाद, परिवार के एक करीबी ने कहा साजिश कर रोका गया काम, दूसरे ने कहा फाइनल टच बाकी। बेगूसराय में DM ऑफिस के सामने ट्रक में लगी आग, असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका, कई दिनों से खड़ा था ट्रक। की बहाली में देरी पर धरना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बेरोजगार दिखाएंगे अपनी ताकत, 7 सालों से नौकरी का इंतजार करने वालों में आक्रोश। मुंगेर में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, प्रसव पीड़ा के दौरान भी पैसों का इंतजार कर रहे डॉक्टर, हीमोग्लोबिन कम होने पर भी किया डिस्चार्ज।